हाँ गाइस, कैसे हम लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक नंबर। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक बार वॉइस चेक करते हैं, वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है। बिल शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए, ग्रेट। तो सब कुछ बढ़िया है, सुपर है, जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो कल की क्लास, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से बढ़िया समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप जब मन चाहे तब मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मैसेज समझ नहीं आया तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, अगर कॉल समझ नहीं आया तो फिर आपको मैं जूम कॉल कर लूंगा, लेकिन आपको समझ जरूर आएगा। आगे बढ़ने से पहले, आपको पता ही है कि सब लोग अभी आते जा रहे हैं, तो फटाफट जुड़ते जाइए। तो कुछ एक दो मिनट आपसे बात कर लेता हूं। पहला कि भैया, ओरिएंटेशन क्लास जरूर देख लेना आप, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और आपका जो ऐप है उसके अंदर लोगो बना हुआ है उसके अंदर भी अवेलेबल है। मैंने वहां पे बैच कैसे लेना है मैंने सब कुछ बता रखा है आपको अच्छे से, वहां पे पीडीएफ कैसे लेनी है, क्लास कैसे चलनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता दिया है। बाकी जो क्लास आपकी चल रही है, मंडे टू फ्राइडे आपका 9 बजे स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा इसकी गारंटी नहीं है, 10, 10:30, 11, 12, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। क्योंकि अब एग्जाम जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोला गया है, तो हम उसको ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आपका इस सैटरडे संडे को मैथ होगा, मैथ में आपका टॉपिक जो है, जो डिमांड आ रही है वो आ रही है सेट्स की, जो सेट मतलब जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं तो उसकी डिमांड आ रही है, तो उसको हम प्लान करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगेन सभी लोग प्रॉपर क्लास करते रहिए, प्रॉपर फॉलो करते रहिए, और अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो क्लास को जरूर खत्म करिए, क्योंकि क्लासेस जब लंबी लंबी होंगी तो हो सकता है कि आप क्लास ना कर पाए, तो इसलिए ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ताहिर साहब, गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्लेटफॉर्म पर। और आइए बात करते हैं अपना कि कल क्या हुआ था। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, आपका जो टॉपिक चल रहा है मेरे दोस्त, आपका टॉपिक चल रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट चल रहा है आपका, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि इसकी डिमांड काफी आई थी। बाकी सब तो बोले सर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा इसको पढ़ाइए तो मजा भी आएगा। मैंने कहा ठीक है, और आपको मैंने बताया भी है कि 3 फोल्डर बनेंगे आपके किसके अंदर, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के अंदर। तो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने सिलेबस देखा था कि सिलेबस क्या होने वाला है आपका, आपका इंट्रोडक्शन कल हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर, इसको करेंगे कंप्लीट, फिर आपका पिन डायग्राम, फ्लैग, ये सब साथ में होंगे, ये तीनों साथ में हो जाएंगे, फिर आपका इंस्ट्रक्शन सेट, और मैं जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि अगर आज का लेक्चर आपने कल लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन अगर आया तो आपसे छूटेगा नहीं, समझ गए आप? तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा, सोइएगा नहीं, लेट के मत देखिएगा, सामने बैठ के देखिएगा, आपको लिटरली मजा आएगा, बात मानिए, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो हमने कल कुछ देखा था, ये कुछ देखा था, डेफिनेशन देखी थी हमने, क्या इसकी परिभाषा होती है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने मशीन लैंग्वेज देखा था, फिर हमने देखा था असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, फिर हमने देखा था कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, फिर आपका हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका जो चेंज करता है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं पूछा आता, ये भी पूछा आता है, इसलिए इसको याद रखना, कल के लेक्चर से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। फिर आपने लास्ट में कहा था भाई आपका 8085 8 बिट का है, एनमॉस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, और आपका 16 बिट का एड्रेस होता है। फिर हमने बिट के बारे में कुछ बात की थी, और कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जब ये आपका बाइनरी पे कार्य करता है, बाइनरी पे वर्क करता है, जिसको बोलते हैं द्विआधारी नंबर, 0 और 1 ही रहेगा, तो फिर ये कैसे आप बोल सकते हैं कि ये हेक्सा डेसिमल पे, जितने भी आपके कंप्यूटर हैं वो हेक्सा डेसिमल पे कार्य करते हैं। तो आज हम उस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, और उससे पहले शुरुआत करते हैं आपके सबसे फेवरेट टॉपिक का, क्या, माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आपको सुनना है जो आने वाले ये आधे से पौन घंटे होने वाले हैं, क्योंकि कम से कम इसमें मान के चलिए आपका कम से कम 45 मिनट चाहिए मेरे को। तो बहुत ही ध्यान से, एकदम आराम से, कुछ भी काम कर रहे हैं मत करो प्लीज, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ये बड़ा सा आप देख रहे हैं, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा, तो आपको प्रॉपर देखना है,
ये है क्या, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, ये वो चीज है जिससे आज आपको ये एहसास होगा कि जब आप मोबाइल में क्यूटेक ऐप को क्लिक करते हैं तो कैसे वो ओपन होता है, उसके पीछे का जो लॉजिक है। अभी जो प्रोसेसर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, i7, i5, i3, व्हाटएवर जो आप प्रोसेसर यूज करते हैं वो बहुत ही हाई लेवल प्रोसेसर है, लेकिन मतलब वही है, सेंस वही है काम करने का। तो उस सेंस को आज हम पकड़ेंगे और समझेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें हर एक चीज का काम क्या है, हर एक चीज का मतलब क्या है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं दोस्त, बताओ भाई, आया ना? अच्छा दिख रहा है ना पापड़ सब कुछ? हाँ दिख रहा है, मुझे लगा कहीं दिखे ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए ग्रेट, तो शुरू किया जाए भाई, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कल आपने देखा था, कल आपने क्या देखा था, आपने कल देखा था कि आपका ये माइक्रो प्रोसेसर होता है और आपका ये मेमोरी होता है, फिर आपका सिस्टम बस होता है, आपका ये इनपुट आउटपुट होता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ये तीन चीज ही होती है, इसके अलावा चौथी चीज नहीं होती है। अब वो प्लास्टिक की बॉडी छोड़ दो, बात की बात है, लेकिन जो अंदर काम होता है ये तीन मेन काम है। अगर किसी घर को बनाना है तो ईटा, बालू, सरिया, सीमेंट, यही चाहिए आपको। बाकी झूमर लग गया, पोटी लग गई, बहुत सारा हो गया, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन मेन काम तीन यही होते हैं। तो वही है आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेसर में डेटा कैसे आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप बोलते नहीं है, आपने जब क्यूटेक ऐप को ओपन किया तो आपके मोबाइल में वो क्यूटेक ऐप ओपन कैसे होता है और क्या इसके पीछे लॉजिक है, आइए समझते हैं और जानते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत प्यार समझिएगा। यहां पे आपका साइड में क्या है, मेमोरी है, ऐसे मेमोरी बनी हुई है। मेमोरी में यहाँ पे एड्रेस होंगे बहुत सारे, और इस एड्रेस जो मैंने आपसे कल कल आपने मुझसे पूछा था कि हेक्सा डेसिमल का यूज क्या है, इसको मैं आफ्टर दैट, इसके बाद वो समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये आपका मेमोरी हो गया, क्या है दोस्तों आपका, ये आपका मेमोरी है। मेमोरी जहां पे क्या होता है, जहां पे आपका डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, आपका व्हाट्सअप भी होता है उसके अंदर, व्हाट्सअप का डेटा भी होता है, क्यूटेक ऐप भी उसके अंदर है और क्यूटेक का डेटा भी उसके अंदर है, सब कुछ यहीं पे है, ठीक है दोस्त। तो अगर मैं इस फिगर को कंपेयर करूं, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो देख रहे हैं आप, और जो ये मेमोरी है, इन दोनों की बात हो रही है, और ये दोनों क्या है, ये रहा माइक्रो प्रोसेसर इतना बड़ा, ये 8085 है दोस्त। अभी जो आ रहे हैं वो तो पूछो ही मत, लेकिन अभी जरूरत ये इसकी, समझ रहे हैं आप, ये जो है वो ये है। अब बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, हर एक जो यहां पे लिखा हुआ है सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। ध्यान से, इधर सामने क्या हुआ कि आपने जब क्यूटेक ऐप को ओपन किया, बहुत ध्यान समझिएगा, ओपन मतलब जैसे ही आपने उसको टच किया, जैसे ही आपने उसको टच किया, आपके मेमोरी के अंदर यहां पे क्या होगा, क्यूटेक ऐप होगा, रत्नेश पांडे सर का ऐप होगा, बताओ भी, हाँ है ना, आपकी मेमोरी में कहीं यहां पे ये जगह ऐसे बना के बैठा होगा कि नहीं, कि ऐसे रैंडम कहीं बैठा होगा। आप खुद सोचो कि अगर ये कहीं भी बैठा होता, ऐसे ही बैठा होता, तो क्या मैं इसको ढूंढ पाता? जैसे आपका एग्जाम्पल ले लूं मैं, आपके घर वालों को अगर ये ना पता हो कि आप कहाँ हो तो क्या आपको ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन कुछ चीजें फिक्स होती हैं, कुछ जगह फिक्स होते हैं जहां उनको पता होता है कि मेरा बच्चा यहीं जा सकता है, तो क्या होगा भाई, वो उस जगह जाके आपको पकड़ लाएंगे, तो उनको ढूंढने में आसानी होगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एड्रेस अगर पता है तो आपका बहुत कुछ काम आसान हो जाता है, आपकी स्पीड फास्ट होती है, अगर एड्रेस पता है तो प्रॉपर वे में। आपको जो डेटा मिलने वाला है, जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, वो भी बहुत शानदार आपको मिलेगी, यानी फर्जी कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। मतलब कि अगर आपको मेरा एड्रेस जानना है, मुझसे आपसे मिलना है, तो आपको मेरा एड्रेस पता होना चाहिए, जब आप मेरे एड्रेस पे आ जाएंगे, मुझसे आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो आपका ये सही था मामला। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका मेमोरी है, इस मेमोरी में क्यूटेक ऐप जो है वो यहां पे रखा हुआ है। जैसे ही आपने टच किया तो इस पूरे आर्किटेक्चर में, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए आर्किटेक्चर मतलब होता है संरचना, कैसे बना हुआ है और कैसे ये काम करता है, तो जैसे बना हुआ है उसी हिसाब से ये काम करता है, वही हमको समझना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहला इंसान कौन, प्रोग्राम काउंटर, यहां पे आप देख पा रहे होंगे। अब यहां से क्वेश्चन बनना चालू हो गए एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बनना चालू हो गए, क्या है ये दोस्तों आपका, प्रोग्राम काउंटर। जस्ट वेट, मैं उसको और दूसरे कलर से कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे, ये रहा आपका प्रोग्राम काउंटर, दिखा आपको प्रोग्राम काउंटर। सबसे पहले यही इंसान उठता है, अगर कोई आपसे पूछता है, चाहे वो कोई भी हो प्रोसेसर, प्रोग्राम काउंटर ही आपका उठेगा,
अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहला इंसान कौन उठेगा, प्रोग्राम काउंटर, इसको बोलते हैं शॉर्ट में पीसी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में पीसी, पीसी आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं, प्रोग्राम काउंटर, पीसी शॉर्ट में। क्या ये बात क्लियर है? ये जो पीसी होता है ये होता है 16 बिट का। कितने का होता है? 16 बिट का। सर आपने बोला था कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो 8 बिट का होता है, बात सही है, लेकिन जो आपका एड्रेस होता है, जो आपका एड्रेस बस होता है वो होता है 16 बिट का। वो क्यों होता है, कैसे होता है, हमने क्या कहा आपको लास्ट में बताएंगे, हेक्साडेसिमल जो कॉन्सेप्ट था आपका वो आएगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ये 16 बिट का होता है। कितने बिट का? 16 बिट का होता है। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे यहां से, आपका पीसी का फुल फॉर्म प्रोग्राम काउंटर होता है, कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है। तो फिर क्या होगा, ये जो पीसी आपका है, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया क्यूटेक ऐप को, इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लो मैंने बोल दिया कि भाई 1 2 3 4 आपका कैसे कुछ एड्रेस रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा उस एड्रेस को जनरेट करेगा, और ये कैसे जाएगा आपका, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये देख रहे हैं दो आपके, दो यहां लिखा है एड्रेस बफर, यहां लिखा है डेटा और एड्रेस बफर। यहां क्या देख रहे हैं आप, एड्रेस बफर, यहां क्या देख रहे हैं, डेटा और एड्रेस बफर। अगर एड्रेस आप देख रहे हैं बफर, अभी ध्यान मत दीजिए बफर क्या होता है, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा अभी, अभी मतलब है एड्रेस और यहां पे डेटा, और एड्रेस दोनों साथ हैं, यहां पे सिर्फ एड्रेस है, यहां पे सिर्फ, यहां पे क्या है, डेटा और एड्रेस साथ में है। आपने क्या बोला कि जो आपका इस, जो आपका एड्रेस है वो 16 बिट का है, तो 8 बिट यहां से जाएंगे एड्रेस वाले से, इसका नाम भी एड्रेस बफर है, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ही जाएगा। तो ये देखिए लिखा है ना A15 से A8, ये आईसी नंबर है, जब आईसी आप देखिए ना 40 पिन की आईसी होती है, तो आईसी में इन सब, ये जो देखा है ना आप यहाँ पे AD07 से AD7, ये रिसेट आउट रिसेट इन, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब पूरा, ये जो पूरा देख रहे हैं ये आईसी का पिन है नंबर। जैसे ही आपने क्यूटेक वाले लोगों को क्लिक किया, उसने एड्रेस जनरेट किया, और ये एड्रेस ऐसे जाएगा, यहां से जाएगा 8 बिट, और यहां से जाएगा कितना आपका, 8 बिट, क्योंकि यहां पे डेटा भी है और एड्रेस भी है, यानी कि एड्रेस जा सकता है, बहुत ध्यान से, और ये कहां जाएगा आपकी, जाएगा मेमोरी में, यहां जाएगा ऐसे मेमोरी में, ये कहां पहुंच जाएगा, जो आपने, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने क्यूटेक लोगो जो बना है, जब क्लिक करोगे उसके पीछे एड्रेस लगा होगा, वो एड्रेस अपने आप ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा कहां पे, आपके मेमोरी के अंदर, जहां पे क्यूटेक ऐप आपने इंस्टॉल कर रखा है, आपने नहीं आपके मोबाइल ने इंस्टॉल कर रखा है अपने हिसाब से, कि भैया इस एड्रेस पे ये बंदा है, इस एड्रेस पे इंस्टा है, इस एड्रेस पे यूट्यूब है, इस एड्रेस पे आपका व्हाट्सएप है, इस एड्रेस पे आपका टेलीग्राम है, इस एड्रेस पे ये है वो है, सब आपका ऐसे लाइन से बने होते हैं। यहां तो कोई दिक्कत, अगर आप देखो ध्यान से यहां पर, तो ये जो बना हुआ है देखो एरो बना हुआ है, ये नीचे की ओर बना हुआ है, लेकिन यहां पे आएंगे तो क्या होगा, ये आपका दोनों तरफ बना हुआ है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर एक होगा तो बोलेंगे यूनि डायरेक्शनल, क्या बोलेंगे, यूनि डायरेक्शनल, अगर दोनों साइड रहेगा तो क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल। अब दोनों का मतलब क्या होता है, यूनि मतलब होता है कि एक ही दिशा में, यानी सिर्फ एक ही दिशा में, यानी मैं बोलूंगा आप सुनोगे बात खत्म, बाई मतलब होता है दोनों दिशाओं में, जब आप फोन करेंगे तो फोन पे आप मुझसे बात करेंगे और मैं आपसे बात करूंगा एक साथ। तो एड्रेस याद रखिए कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल, हमेशा एड्रेस फिक्स होता है और वो यूनि होता है। तो यहां पे ये प्योर एड्रेस है, इसलिए यहां पे एरो जो बना हुआ है, जो तीर बना हुआ है वो यूनि बना हुआ है, और यहां पे देखो दो बने हुए हैं ना, इसका मतलब यहां पे एड्रेस और डेटा दोनों साथ में है। और कल आपने देखा था कि डेटा बस जो होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल, यानी वो लेता भी है और देता भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई, वो लेगा भी और देगा भी, कैसे, अभी ये दोनों मिलाकर, ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का है, ये एड्रेस भेजेगा 1 2 3 4, तो 1 2 आएगा यहां से और 3 4 आएगा यहां से, और ये पहुंचेंगे कहां पे, मेमोरी के पास, फिर ये आएगा ऐसे, ये आपका डेटा जो है, इसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो डेटा कितने बिट का है, 8 बिट का है, जो डेटा इसके अंदर है वो कितने बिट का है, 8 बिट का, जो आपका क्यूटेक ऐप है, जो इंफॉर्मेशन है वो कितने बिट का है, इसके अंदर 8 बिट का है मेरे दोस्त। ये ऐसे अंदर आएगा, कैसे, ये फिर आएगा ऐसे वापस, कैसे आएगा वापस, वापस ऐसे आपका आएगा, जस्ट वेट फॉर सेकेंड,
मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ये आपका ऐसे होके आएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। 8 बिट का डेटा है और 8 बिट का ये रहा, तो जब ये यहां से जाएगा तो ये दोनों एड्रेस की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन जैसे ही ये डिकोड करेगा, जब ये डेटा आपका ऐसे आएगा, तो अब जो देख रहे हैं आप, ये आपका जो है ये वाला एज अ डेटा काम करेगा। तो यहां पे जो आपने बोला है AD7 से AD0, यहां पे AD मतलब होता है एड्रेस और डेटा को आपने मल्टीप्लेक्स किया हुआ है, यानी साथ में जोड़ा हुआ है, साथ में जोड़ा हुआ है। क्यों जोड़ा हुआ है, उसका रीजन है, अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको याद रखिए, बाकी बताना है तो बता देता हूं मैं आपको क्यों ऐसा किया है। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर मैं एड्रेस के लिए अलग से 16 बिट लूं, 16 पिन लूंगा मैं, और डेटा के लिए भी मैं लूं 8 पिन अलग से, तो 16 8 कितना हो गया 24। जो ये सब पिन लगे हुए हैं ये कब काम आएंगे, तब तो आपका जो आईसी है वो तो 40 पिन नहीं पहुंच जाएगा, 50 पिन का, 60 पिन का, 70 पिन का। बात समझ नहीं, समझ रहे हैं? तो मैंने क्या बोला आपसे कि ये जो प्रोसेसर बनाया गया है बहुत ही समझदार लोगों ने बनाया है, तो हर चीज सोच समझ के बनाई है, इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हो सकता है आप सभी को समझ में आ गया हो लेकिन बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इस प्रोसेस को, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या किया मैंने, आपको अपने मोबाइल में क्यूटेक ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपका पीसी जगेगा। पीसी कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। ये एड्रेस देगा, एड्रेस कैसे जाएगा, 8 बिट यहां से जाएगा जहां प्योर एड्रेस होता है, और 8 बिट यहां से जाएगा जहां पे डेटा और एड्रेस साथ में होते हैं। और एड्रेस क्या है, 1 2 3 4, ये यहां से जाएगा 1 2 3 4 ढूंढेगा मेमोरी के अंदर। जैसे ही उसने देखा 1 2 3 4, तुरंत क्या करेगा, वो क्यूटेक को बाहर निकाल के वापस भेजेगा। यहां से आपका जाएगा नहीं, क्योंकि ये यूनी है, वन वे है, ये वन वे है, ये टू वे है। तो यहां से आपका डेटा जाएगा, डेटा आपका 8 बिट का है, और ये यहां से होते हुए ऐसे निकलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए आपका, यहां से आपका ये जो है ऐसे जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, बताओ दोस्त, यहां से क्या होगा, ये आपका ऐसे जाएगा। क्लियर? जो यहां से आने वाला है, जो यहां से आने वाला है मेरे दोस्त, वो क्या आएगा, क्यूटेक शब्द लिखते हुए आएगा कि क्या आएगा, बताओ। जो यहां से आएगा वो क्या आएगा, अभी क्यूटेक ऐप ओपन नहीं हुआ है, आपने क्लिक किया है तो ये पीछे काम चल रहा है मामला। यहां से क्या आएगा, 01 01 10 करके आएगा, कि ये क्यूटेक लिखता हुआ आएगा, बताओ मेरे दोस्त। एकदम सही बात, क्या बात है, यहां से क्या आएगा, 0101 आएगा। क्योंकि आपको पता है जो आपका कंप्यूटर है वो मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर करेगा हमेशा बाइनरी फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज में 0101, उसको बस 0101 ही पता है। तो वो क्या होगा, ऐसे 0101 ऐसे आएगा, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और ये कहाँ जाएगा दोस्त आपका, ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ जाएगा दोस्त आपका, ये यहाँ पे आएगा। कहाँ से गया, बहुत ध्यान देखना, हाथ को ध्यान से देखो, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। इसको क्या बोलते हैं आप, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ऑब्वियस सी बात है, कुछ आपका निर्देश ही तो है। अब ये आपने जो बोला है, यहां मान लो 1010 कुछ रहा होगा, ये 1010 ऐसे आएगा और यहां पे ये स्टोर होगा। ये कितने बिट का होगा बताओ भाई, ये होगा 8 बिट का। कितने बिट का बताओ भाई, ये आपका हो जाएगा 8 बिट का, बताओ भाई, हाँ या ना, 8 बिट का आपका है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं 8 बिट, तो ये 8 लिख रहा हूं, समझ जाना भाई। डेटा आपका कितने बिट का है, 8 बिट का है, तो ये भी 8 बिट का होगा। फिर ये IR में आके रुकेगा, और फिर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जो आपने अभी यहां से आप लेकर यहां पे आए हो ना, इसी को बोलते हैं फेच, रीड करना। जो कल आपने देखा था ना वर्ड, अगर आपको याद हो, ये वाला फेच, पहले हमेशा फेच होता है, याद रखिएगा, हमेशा पहले फेच होगा, रीड पहले रीड होगा। तो वही यहां पे हुआ, जो पहला आपका ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, यहां से आते हुए ये यहां से गया, यहां पे आया आपका, यहां पे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसको बोलते हैं IR, यहां पे ये स्टोर होगा, फिर आगे आएगा तो ये फेच करेगा, मतलब डिकोड करेगा कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। क्योंकि अभी तक यहां से लेके यहां तक
आई आर तक आपका वो 0101 ही है, वो आपका बाइनरी नंबर ही है। जैसे ही यहां पहुंचेगा अब वो उसको डिकोड करेगा। कल देखा था ना आपने जैसे कि 00011011 00 पे फेसबुक है, 01 पे व्हाट्सएप है, 10 पे क्यूटेक है, 11 पे आपका था। तो जैसे ही उसको 10 मिलेगा वो समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यूटेक ऐप ओपन करना है। जैसे ही ये डिकोड करेगा आ जाएगा यहां पे, कहां पे आ जाएगा यहां पे, और ये होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल। और जो कल आपने देखा था दोस्त मेरे, ये देखिए कंट्रोल, बस समझ में आया दोस्त मेरे। तो यहां पे एड्रेस क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है। ये कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, बात चलेगी अभी इसके बारे में लास्ट में, डोंट वरी। डेटा जो होता है कितने का होता है, 8 बिट का होता है। ये आपसे पूछा जाता है दोस्त मेरे, बात समझ आई नहीं आई। तब आपका क्या आ गया, यहां पे आ गया टाइमिंग एंड कंट्रोल। अब ये इंसान, ये इसका दिमाग है आप समझ लो ऐसा। अब ये सब जगह चेक करेगा कि भैया किससे काम करवाना है। तो अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, आपने यहां से एक वायर देखा होगा, देखो ये वायर आपका यहां भी जा रहा है, ये वायर यहां भी जा रहा है, यहां से जो वायर जा रहा है वो हर जगह जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, देखो देख लो कहां कहां, देखो यहां पे है एक्यूमुलेटर में है, फिर यहां पे है टेम्परेरी रजिस्टर पे भी है, यहां देखो आपका ALU में भी है, यहां देखो आपका फ्लैग में भी है, यहां पे देखो आपका इंटरप्ट कंट्रोल पे भी है, सीरियल इनपुट आउटपुट भी है। यानी कि ये हर जगह इसका पूरा जाल बिछा हुआ है, क्योंकि ये वही इंसान है जो काम कराने वाला है। जैसे ही आप डिकोड करेंगे ये इसके पास आएगा और ये फिर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा कि भैया तुम काम करो, तुम काम करो, तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो ये होती है पहली स्टेज। क्या होती है ये पहली स्टेज, कि आपने क्यूटेक ऐप को क्लिक किया, जैसे क्लिक किया पीसी ने एड्रेस को जनरेट किया और ये फटाफट से क्या भेजेगा, मेमोरी के पास। मेमोरी से आपका ऐसे क्यूटेक ऐप का जो कोडिंग है 1010 वो ऐसे आएगा और यहां पे आते ही क्या होगा, यहां पे ये पहुंचेगा और ये फिर काम कराएगा कि भी ये काम करो, तो ये फट से ओपन कर देगा। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत दोस्त? तो अभी तक हमने कौन से ब्लॉक कर लिए, प्रोग्राम काउंटर, आपका एड्रेस बफर, डेटा बस बफर, आपका IR, आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर और आपका ये पार्ट। अभी क्या बचा हुआ है, एक्यूमुलेटर, टेम्परेचर रजिस्टर, टेम्परेचर होता है, फ्लैग, ALU, इंटरप्ट, ये सभी बचे हुए हैं अभी। अब आते हैं बारी बारी से, ठीक है? तो पीसी का काम क्या होता है, ये एड्रेस को होल्ड करता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 16 बिट का होता है और ये एड्रेस को होल्ड करता है, मतलब रखता है पकड़ के। फिर ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है, फिर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी होने वाली है उसका ये एड्रेस होल्ड करेगा। तो जो ये इंक्रीमेंट है ये किसके लिए है, आपका जब प्रोग्राम काउंटर, जैसे आपने क्लिक किया इसने एड्रेस जनरेट कर दिया क्यूटेक ऐप का, बस काम खत्म उसका। अब आपने हॉट स्टार दबा दिया तो ये उसका एड्रेस अपने पास होल्ड रखेगा। आपने यूट्यूब दबा दिया तो ये उसका एड्रेस तुरंत क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, ठीक है, 16 बिट का ये ऐसा आपका। अब आती है आगे की बात कि ये तो क्यूटेक ऐप आपने एग्जांपल ले लिया। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्त कि यार चलो थोड़ा सा मैं लेता हूं असेंबली लैंग्वेज, कैसा, जो मैं असेंबली आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको असेंबली बताने वाला हूं उसको लेते हैं एग्जाम्पल, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यहां तक कोई दिक्कत, बताओ भाई। चलिए अभी तो काफी कुछ बचा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से देखना है, फिर आपका हम मेमोरी यहां बनाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? ठीक है, और मैं बहुत छोटा सा इंस्ट्रक्शन लेता हूं, मैं यहां पे लेता हूं ऐड बी, आप ऐड बोल दो या सब्सट्रैक्ट बोल दो, आप जो बोलना बोल दो, ऐड बी बोल दो आप। इसका मतलब होता है ऐड बी, बी को ए के साथ ऐड करना। अभी जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना आगे, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि ऐड मतलब जब देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ए छुपा होता है, ऐड ए कॉमा बी। अब ये क्या है ए, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, वो यहां पे है, यानी क्या करना है आपको, ऐड ए कॉमा बी, इसका मतलब होता है। जैसे अगर आपने ये लिख दिया तो वो समझ जाएगा, ऐड ए कॉमा बी, या ऐसे लिख लो आप, मैं बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको कि आप ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखो आप इसको, आप लिख दो ऐड ए कॉमा बी, एड ए कॉमा बी, यानी कि ए को बी के साथ एड करना है। ए कहां पे है, यहां पे है, ये आपका ए होता है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, और बी कहां पे है, बी यहां पे है, ठीक है? तो मुझे ये काम करना है,
मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करना है कि ऐड करना है ए और बी को, तो सेम प्रोसेस वही, जैसे ही आपने देखा ऐड ए कॉमा बी, इसका कुछ एड्रेस होगा, ये मेमोरी के अंदर छुपा होगा, तो फटाक से होगा, पहले स्टैक आपका जो ये प्रोग्राम काउंटर है ये उठेगा 16 बिट का, तुरंत एड्रेस भेजेगा, यहां पे जाएगा, यहां ढूंढेगा, ये यहां पे आएगा, ऐसे आकर यहां पे ये पहुंचेगा। तब ये क्या करेगा, बोलेगा कि यार यार ये तो लिखा हुआ है एड ए कॉमा बी, जैसे ही आपने बोला एड ए कॉमा बी, ये तुरंत क्या करेगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल, नाम ही इसका ये है टाइमिंग एंड कंट्रोल, ये कंट्रोल करेगा पूरा। तो ये क्या करेगा, यहां से जाएगा ऐसे 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 ऐसे, देखो यहां से ये ए को जगा देगा कि भैया जगो तुम्हारा काम आ गया, क्या होगा, ये ए को जगाएगा, उसने बोला है ना एड ए कॉमा बी, तो ये ए को जगा देगा। फिर ये जाएगा यहां पे ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे देखो जाएगा ये ऐसे, क्या देखा आपने, यहां पे बी है तो ये बी को जगा देगा। अब ये सब क्या है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूं कि ये बी सी डी ई एच एल और डब्ल्यू जेड क्या होते हैं, बताता हूं आपको, ये सभी आपके जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, जीपीआर। सर ये क्या है, वन सेकेंड, एक मिनट रुकिए, बताता हूं आपको, जीपीआर जनरल पर्पज रजिस्टर, रजिस्टर जो यहां वर्ड बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब ये होता है, अभी के लिए आप ये याद रखो कि ये क्या करता है, किसी भी चीज को होल्ड करता है, यानी मेमोरी बनाने काम आता है। अब ये मेमोरी से काम कैसे करता है, ये आप पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां पे आपको फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर ये सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये याद रखो कि जो मैंने वर्ड बोला है रजिस्टर, इसका काम क्या है, ये किसी को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है दोस्त, रजिस्टर स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। तो बी सी डी ई एच एल, अब जो इसका नाम पड़ा है ना एच एल, एच एल मतलब होता है, एच मतलब हायर निबल होता है, एल मतलब होता है लोअर निबल। निबल कल आपने नहीं देखा था ना, निबल देखा था ना, नहीं देखा था, निबल मतलब होता है 4 बिट, आपका 8 बिट है ना, तो हायर और लोअर, हायर निबल लोअर निबल, कई बात कीजिए दोस्त, ऐसा आप बोलते हैं लॉजिकली, ऐसा आप बोला जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। तो ये सभी क्या होते हैं, ये जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, कितने हैं, 6 हैं, बी सी डी ई एच एल डब्ल्यू जेड। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट कि हाउ मेनी जनरल पर्पज रजिस्टर अवेलेबल इन 8085, यानी कि 8085 में कितने जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 6 होते हैं। अब डाउट आपको ये आएगा कि सर जब मेमोरी मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने ये फालतू में क्यों यहां पर रखा हुआ है कि मैं इसमें डेटा स्टोर कर सकूं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकूं, मेरे दोस्त ये मेमोरी बाहर है। अगर आप ऐड ए कॉमा बी बोल रहे हैं, जब ये ऐसे अंदर आएगा तो ये बी में आप डेटा भाई कहां रखोगे इसको, बात समझने से बढ़ रहे हैं, तो ये खुद की भी कुछ रखेगा ना वैल्यूज, अब तो बहुत ज्यादा रखता है अपने पास, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना रखेगा ही रखेगा कि मान लो भाई कोई बिट आया तो ये स्टोर तो कर सके कम से कम, कहां पे स्टोर करेगा, ये बात क्लियर दोस्त, बताओ भाई क्या ये बात क्लियर है। तो 6 आपके होते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर, मैं आपको सब लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, हर एक पॉइंट, बस आपको समझना है अभी, ठीक है। सो कहां पे थे हम लोग, एड ए कॉमा बी मुझे करना है, तो ये क्या किया आपके टाइमिंग एंड कंट्रोल ने बोला भैया मेरे एक्यूमुलेटर तुम जाग जाओ फटाफट, और जो बी है ये यहां से ऐसे गया ऐसे पहुंचा और बी को इसने जगा दिया कि भैया बी जगो। अगर आप ध्यान से देखो यहां पे तो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर देख रहे हैं आप, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्स करना मतलब बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ना, आप जानते ही है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो ऐसा एग्जाम्पल, जैसे मल्टीप्लेक्स आपके स्टूडियो आजकल अपार्टमेंट बनते हैं जो कई सारे चीजों को मिक्स कर देते हैं, आप मल्टीप्लेक्स देख लो, आप जानते हैं जा रहा हूँ मल्टीप्लेक्स मूवीज देखने जाते हो, जो आप पहले एक सिनेमा होता था अब कई सारी स्क्रीन को एक साथ जोड़ देते हैं, 7 8 9 10 स्क्रीन एक साथ रहती है तो उसको मल्टीप्लेक्स बोल देते हैं आप, तो वही यहां पे है। तो क्या होगा, यहां से ये बी को सिग्नल देगा और ये बी यहां से निकलते हुए पहुंचेगा, बहुत ध्यान से बनना, ये आपका कैसा है यूनिक ही भाई, ये वन वे है या टू वे है, बताओ भाई, सो तो नहीं रहे हो दोस्त यार, सो तो नहीं रहे हो आप लोग, ये वन वे है या टू वे है बताओ, ये टू वे है बिल्कुल सही, क्योंकि भाई देखो अब ये बी ऐसे जाएगा और इसमें आप डेटा लाओगे भी, तो मान लो बी यहां पे बोला आपने, बी में हो सकता है 25 हो सकता है 50 हो सकता है 75 हो सकता है कुछ भी हो, यहां मैं लिख दूं एड ए कॉमा 25 लिख दूं मैं, 25 लिख दूं मैं, कुछ भी लिख दूं मैं, तो यहां पे डेटा लाओगे भी तो इसलिए यहां पे क्या बोला आपने, ये आपका टू वे है, क्या है दोस्त आपका टू वे कम्युनिकेशन, तो यहां से जैसे जाएगा
और ये कैसे जाएगा, ऐसे जाते 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 अब इधर नहीं आएगा, ये काम खत्म। अब बी उठ के यहां पे ऐसे बी उठेगा, ऐसे उठते हुए, ऐसे उठते हुए, ऐसे उठते हुए कहां आएगा, यहां पे आएगा, कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो बहुत ध्यान से देखना है कहां पे आएगा दोस्त आपका, यहां पे आएगा। तो आपका ये ए हो गया और आपका जो बी था ये उठ के आपका कैसे आया, यहां पे ऐसे आते हुए यहां पहुंच गया। तो यहां पे जो आपने बोला इसको बोलते हैं टेम्परेरी रजिस्टर, दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी रजिस्टर। ये जो आप देख रहे हैं ना ये 8 बिट आपका इंटरनल बस है और बी भी आपका 8 बिट का होता है, ये सभी 8 बिट के होते हैं, ये सभी आपके 8 बिट के हैं, ये आपसे पूछा जाता है, ये सभी क्या है आपके 8 बिट के हैं। इनके नाम कैसे पड़े हैं इसका भी लॉजिक है, बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, फिलहाल अभी सुनिए यहां पे, ठीक है। बी सी डी एच एल डब्ल्यू जेड आपका, ठीक है, ये सभी आपके 8 बिट होते हैं और ये सभी अगेन जनरल पर्पज होते हैं, जीपीआर होते हैं। मैं ये सब आपको लिखाऊंगा परेशान ना हो, ठीक है, जीपीआर होते हैं, यानी कि ये आपके लिए होते हैं, आप कभी भी इनको यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप आगे गए यहां पे आए यहां पहुंचे आप, ये होता है टेम्परेरी। एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है, जैसे यहां पे ये बी सी डी है ना, वैसे ही आपका जो ये एक्यूमुलेटर है ये भी आपका एक रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, कैसे करना अभी बताता हूं मैं आपको। जो ये आपने इंस्ट्रक्शन देखा है ये है एड ए कॉमा बी, यानी कि आप क्या करेंगे ए और बी को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी आप ए में ऐड करेंगे, मतलब ए में स्टोर करेंगे, इसका मतलब ये होता है। आगे पूरा पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, बहुत अच्छे समझेंगे, डोंट वरी। तो बी का जो कंटेंट है ए के साथ आप जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको ए में स्टोर कर देंगे। तो जो आपने यहां पे देखा है, यहां पे देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देखना, बहुत केयरफुली आप जो देख रहे हैं यहां पर, जो ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी किसके लिए है, ये है स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ये हमारे लिए नहीं है, ये माइक्रो प्रोसेसर ने अपने लिए रखा हुआ है दोस्त। यहां पे 2-3 रजिस्टर उसने अपने लिए रखे हुए हैं। ये जो आईआर है ये भी आपका रजिस्टर है, ये भी 8 बिट का है, लेकिन ये स्पेशल पर्पज है, एसपीआर स्पेशल पर्पज रजिस्टर आपका। इसका बस एक ही काम है, क्या, इंस्ट्रक्शन जो भी आने वाली है इसको स्टोर करना, इसका काम क्या है डिकोड करना, इसका काम क्या है जब किसी भी बिट को आप ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू यहां पे होल्ड करना। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्त, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, जिसका कोई एक पर्टिकुलर काम है उस काम के अलावा कोई और काम नहीं करेगा उसको बोलते हैं स्पेशल, स्पेशल है वो, और जो सब काम करेगा वो जनरल है। आइए बात करते हैं यहां पर, तो बी आपका यहां पे आ चुका है, ए यहां पे है, बी यहां पे है। अब ए बी आपका जाएगा ऐसे कहां पे, ए एल यू, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ए एल यू क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, अंकगणितीय जो ऑपरेशन आप करते हैं वो। लॉजिकल में क्या हुआ भाई, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मोर देन कौन है, लेस देन कौन है, आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है, वो सबके लिए काम आता है। तो क्या होगा, यहां से बी आएगा, यहां से ए आएगा, इन दोनों को ये ऐड करेगा और जैसे ये ऐड करेगा ये आगे ले जाएगा, ये आगे ले जाएगा, और जैसे ही आगे जाएगा, मैंने क्या बोला आपको, एड ए कॉमा बी बोला आपने, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो कहां आएगा, यहां पे स्टोर होगा, यहां पे स्टोर हो जाएगा। तो क्या देखा आपने, ये कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। आप देखो ये टू वे है ना, देखो ध्यान से, ये टू वे है ना, तो टू वे क्यों है, क्योंकि ये डेटा लेगा भी और देगा भी, लेकिन ये ऐसा नहीं है, मामला सेट है, ये आएगा बस हो गया, ऐड होने के बाद यहां पहुंचेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, क्या देखा आपने कि भाई सेम कहानी, फटाफट मैं रिकॉल करता हूं दोबारा आपको अच्छे से, ठीक है। क्या देखा आपने कि मुझे ऐड ए कॉमा बी करना है, ऐड ए कॉमा बी करना है, आपने क्या किया, फटाफट आपका पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का, उसने एड्रेस फेंका, एड्रेस यहां पहुंचा, उसने ढूंढा, वहां से 1010 फॉर्म में आपका मशीन लैंग्वेज फॉर्म में ऐसे आया और ये ऐसे जाएगा, डेटा से होते हुए ऐसे जाएगा, फिर ये यहां पे जाएगा, आईआर पहुंचेगा, आईआर से फिर आईडी जाएगा जिसको बोलते हैं डिकोडर, फिर ये डिकोड करेगा, कहेगा अच्छा ऐड ए कॉमा बी करना है, क्या बात है, तो ये वहां पहुंचेगा, इसको बोलेगा मेरे भाई काम कराओ, तो ये क्या करेगा, फटाक से सिग्नल भेजेगा, क्या करेगा ये आपका फटाक से आपका सिग्नल भेजेगा,
कहां पे? एक ए के पास भेजेगा और एक कहां भेजेगा? बी के पास भेजेगा कि भैया बी उठ जाओ काम करो। तो ये बी उठ के यहां पे ऐसे आएगा और यहां से आके यहां पे जुड़ जाएगा और जो आपका रिजल्ट आएगा वो कहां पहुंचेगा? एक्यूमुलेटर में। बताओ भाई यहां तो बात समझ में आया नहीं है क्या? ये बात क्लियर है? बस थम्सअप कर दीजिए फटाफट ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो अभी तक हमने एक्यूमुलेटर की बात कर ली, टेम्परेरी आपका रजिस्टर उसकी बात कर ली, ए एल यू की बात कर ली, पीसी की बात कर ली। मैं टिक कर देता हूं फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है? मैं फिर से इसको दोबारा रिमूव कर देता हूं और मैं फिर से आपसे बात करता हूं। कौन कौन सी बात हो गई भाई? आपका ये डन हो गया, आपका ये डन हो गया। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जब भी कोई एडिशन ऑपरेशन होगा, जब भी कोई सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन होगा, उसमें देखो जाहिर सी बात है जब ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे, आप जोड़ोगे घटाओगे तो क्या होगा? दो नंबर को आप जोड़ोगे घटाओगे। जब दो नंबर आप जोड़ोगे घटाओगे, क्या हुआ यार? थम्सअप का डिले हो रहा है क्या? ज्यादा डिले हो रहा है क्या? अच्छा, यहाँ आपका मन नहीं कर रहा करने का कि सब मजा आ रहा है पहले ऐसे चलने दो, ऐसा कुछ? चलिए कोई बात नहीं, आते यहाँ पर, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है जब दो नंबर आप, भाई देखो जब आप जोड़ोगे तो दो नंबर कम से कम जोड़ोगे ना यार। आप खुद सोचो कि एक को आप एक से कैसे जोड़ोगे? आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, एक और एक दो होता है। नहीं मेरे दोस्त, एक और एक आपके दो आ गए ना, मतलब खुद को खुद से कैसे जोड़ोगे? ऐसा तो कम से कम दो चाहिए। अब जो दो नंबर आपके दिए हुए हैं, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस हो गया बस हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। अब आराम से सुनिए आप लेक्चर, ठीक है? मजे लीजिए इसके, एंजॉय कीजिए पूरा। अब दो बिट आएंगे तो जाहिर सी बात है दो बिट में एक बिट तो ये रखेगा अपने पास, तो दो नंबर मतलब मान लो मैंने बोला कि दो और तीन को जोड़ना है तो दो आ गया इसके पास, जो तीन होगा वो इनके पास जाएगा, वो इनके पास जाएगा, यहां पे आप स्टोर करेंगे और फिर ये यहां से जाएगा और ये टेम्परेरी पहुंचेगा और ये दोनों फिर जोड़ के यहां पे वापस आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सभी हो गए यहां पे। लेकिन अभी मजेदार बात है, डब्ल्यू जेड की बात अभी करेंगे डिटेल में, क्योंकि अभी इसकी बात हमने की नहीं है, क्योंकि इसका खुद का एक बहुत बड़ा काम है, चर्चा इस पे होगी अभी, डोंट वरी। बाकी ये सभी चर्चाएं आपकी जो है, जो बी करता है वही सी करता है, जो डी करता है वही ई करता है, जो एच करता है वही एल करता है, ये सभी के सभी आपके आराम से क्या करते हैं। ये छह के छह हैं, आठ यहां पे आठ देख रहे हो ना, तो छह हैं जीपीआर, छह ओनली सिक्स, ये दोनों जीपीआर नहीं है, इनका खुद का अपना एक वैल्यू है। क्या है समझते हैं अभी, डोंट वरी, ठीक है? तो ये छह बस हैं जीपीआर 8 बिट के फटाफट। फिर आपने पीसी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एड्रेस पढ़ लिया, डेटा पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया आपने, तो आपका इतना काम हो चुका है। आपने ये भी देख लिया कि इसका काम क्या है। अभी जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? फ्लैग बचा हुआ है। फ्लैग क्या होता है और आपने देखा भी था वहां पे, आपका स्टैक पॉइंटर क्या होता है, इंक्रीमेंट आपने देख लिया है, क्योंकि जैसे जैसे आपका क्या होगा, पीसी हर बार क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो डिक्रीमेंट किस लिए यहां पे है उसको भी हम देखेंगे कि ये डिक्रीमेंट क्यों है, ठीक है? बाकी ये सीरियल इनपुट आउटपुट इंटरप्ट और बस हो गया, यानी कितने बचे हैं, एक दो तीन चार पांच, बस हो गया। अरे ये तो बड़ा जल्दी हो गया यार रजनी, ये सब आगे बात की बात है, ठीक है? अभी उस पर नहीं जाना बिल्कुल भी, हम दो ही ऐड करते हैं। ये 8085 है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो आपको उस एरा में जाना है, आपको 1970s में जाना है, वहां पे जाके सोच के बात करनी है। यहां पे, यहां पे आप 8 बिट डेटा को ऐड कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं तीन वेरिएबल कोई सेंस बनता नहीं है कि आपने बोला ए बी सी, नहीं ऐसा सेंस नहीं होता, यहां पे 8 बिट का होता है। आप 16 बिट भी ऐड कर सकते हैं लेकिन उसका तरीका अलग होता है, वो हम आगे समझेंगे बहुत अच्छे से, अभी वो मोटो हमारा नहीं है। हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है बस सिंपल क्या, कि ये कैसे काम करता है, ठीक है? ताकि कोई फैले ना भाई, कोई बहक ना जाए, ठीक है? चलिए तो अब आते हैं वापस अपने मुद्दे पर और इसको मिलाते हैं और बात करते हैं किसकी, फ्लैग की। किसकी बात करते हैं? फ्लैग की बात करते हैं। फ्लैग ये किस चिड़िया का नाम है समझते हैं? फ्लैग क्या होता है? झंडा, जाहिर सी बात है। और हम लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि एएलपी, आप भले ही आप एएलपी बनो, चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड बनो, चाहे आप जेई बनो, अल्टीमेटली आपको फ्लैग से मुलाकात होगी आपकी। लाल नीली हली बत्ती जो आपकी रहेगी वो पूरी लाइफ तक आपके साथ जुड़ी रहेगी। फ्लैग मतलब क्या होता है? फ्लैग मतलब किसी चीज को बताना। अगर मैंने बोला लाल है तो गाड़ी रुक जाएगी ऑटोमेटिक, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ग्रीन है तो गाड़ी चल जाएगी, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही यहां पे कुछ सीन आया, डाउट ये आया कि फ्लैग की जरूरत क्यों पड़ी। अब समझो ध्यान से, आप फ्लैग जो होता है ये भी आपका 8 बिट का होता है, ये आपको बताता है स्टेटस,
जो आपका रिजल्ट आने वाला है, जैसे आपने ऐड किया दो नंबर्स को, सब्सट्रैक्ट किया आपने, ठीक है, मान लो आपने कंपेयर किया, मान लो आपने कंपेयर किया और आपको बताना है भाई कि ऑड है कि इवन है, छोटा है कि बड़ा है। अब मान ले आज मान लीजिए आपने -3 और +2 कर दिया, -1 आ गया, तो 1 तो आपका देगा ये, लेकिन जो माइनस आपने लिखा, जो माइनस वर्ड है आपका, वो कौन बताएगा? वो बताएगा फ्लैग, यानी जो फ्लैग होगा वो बताएगा कि भाई रिजल्ट कैसा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। 2 और 1 3 होता है ये पता है, वो कौन करेगा? आपका ALU करके दे देगा, लेकिन वो 2 और 3 जब आपने ऐड किया तो वो प्लस का है कि माइनस का है, कौन बताएगा? फ्लैग बताएगा। तो फ्लैग में ऐसे 5 होते हैं, पैरिटी होता है, जीरो फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, जो बताते हैं। अगर जीरो फ्लैग आपका हाई हो गया, बोलेंगे जीरो, आपका जो आंसर है वो जीरो है। बात करेंगे इस पे, पूरा एक चर्चा इस पे डिटेल पे होगी बहुत अच्छे से। अभी के लिए बस आप ये याद रखो, फ्लैग क्या बताएगा? स्टेटस, कि आपका रिजल्ट जो आया है वो कैसा है। क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त, इसलिए बहुत ध्यान समझना इसको। क्या ये बात समझ आई दोस्त? बताओ भाई, चलिए आगे बढ़े। तो क्या देखा आपने? फ्लैग। तो फ्लैग अपना हो गया काम खत्म। क्या काम है इसका? इसका काम है आपका जो रिजल्ट आया है उसका स्टेटस बताना, कि वो कैसा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है वो। तो हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान से कि फ्लैग जो है ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, ये ऊपर जा रहा है, वन वे है, मतलब कि हम फ्लैग को चेंज नहीं कर सकते। आप खुद सोचो कि अगर मैंने इसको बना दिया बाई डायरेक्शनल यानी कि टू वे कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें खुराफात कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कहां पे? 8086 में, लेकिन यहां पे नहीं है, ठीक है, यहां पे ये बस जाएगा, बताएगा कि भैया आपका रिजल्ट कैसा है। तो फ्लैग का काम हो गया खत्म। चलो भाई आपका फ्लैग निपट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात W और Z की। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, फिर लास्ट में बात करते हैं स्टैक पॉइंटर की, SP इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SP बोल देते हैं आप, ठीक है। तो W Z की बात करते हैं। ये W Z इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखिए जाहिर सी बात है कि आपका सिस्टम कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो अपने आप को सिक्योर रखता है। कैसे? W Z का जो सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा आगे पढ़ने वाले हैं आप, लेकिन मैं यहाँ बहुत डिटेल, मैंने आपसे बोला है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा, जबरदस्ती मैं आपको PhD नहीं कराऊंगा यहाँ पर, क्योंकि कोई उसका फायदा नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं ना पहली बार तो आपको बड़ा मजा आता है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, एक लिमिट में घुसना है, अननेसरी नहीं जाना है, टाइम वेस्ट होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है जॉब, ये चीज याद रखना, भूलना मत इसको आप। यही फर्क होता है कॉलेज की पढ़ाई में और तैयारी करने में, और यही लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और फंस जाते हैं। तो मेरा काम है आपको जागरूक रखना, जितना है जितना करा रहा हूं उतना करो, मोर देन इनफ है, बस इससे जरूरत नहीं है। आइए यहां पे वापस, डब्ल्यू जेड क्या काम है इसका? मान लो आपको दो नंबर को एक्सचेंज करना है, दो नंबर्स को एक्सचेंज करना, मतलब कि भाई मान लो आपने बोला 1 2 है, 3 4 है, ये नंबर आपका दिया हुआ है, और 3 4 5 6 दिया हुआ है, मान लो ऐसे नंबर दिया है, ऐसे नहीं और ले लो आप, ऐसे नॉर्मल ले लो, नॉर्मल कैसे ले लो आप, ऐसे ले लो आप, कि 12 है और ये 13 है, इसको इंटरचेंज करना है, ऐसे जहां पे 12 है वहां 13 आ जाए, जहां 13 है वहां 12 आ जाए, तब ये दोनों यूज होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इसलिए बहुत शॉर्ट में समझिएगा, ये दोनों हमारे लिए नहीं होते हैं, ये दोनों अपना जो प्रोसेसर है ये अपने पास रखता है अपनी ईमानदारी के लिए, ताकि इंसान इस पे शक ना करे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मान लो आपने फोटो खींची, आपने फोटो खींच दी, फोटो खींची आपने, उसको आपने डिलीट नहीं किया, 2 साल बाद आपको याद आता है कि यार मैंने एक फोटो खींची थी, यहां पे पड़ी थी, देखते हैं कि नहीं है, तो क्या कभी फोटो आपकी अपने आप डिलीट होती है क्या? अगर डिलीट हो गई तो आपका उस मशीन से भरोसा उठ जाएगा कि यार ये मशीन मेरे काम की नहीं है, बेकार है, भगाओ इसको यहां से। अगर मैं गलती से फोटो BCDEHL में डाल दूंगा, तो जाहिर सी बात है ये तो भाई हम यूज कर रहे हैं, कोई डेटा लाया मैंने इसमें डाल दिया, फोटो डिलीट, तो बेइज्जती किसकी होनी है? मशीन की। और मशीन बड़ी वफादार होती है, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये दोनों चीजें अपने पास रखता है, वो फोटो को यहां पर संभाल देगा कि भैया हमने अपनी मेमोरी में संभाल रखा है, जब आपकी इच्छा होगी आप निकाल के देखना, फिर रख देना। तो डब्ल्यू जेड जनरल पर्पज नहीं है, वो किसके लिए है? आपके माइक्रो प्रोसेसर के लिए है, और इसकी बात कभी होगी भी नहीं,
अगर मैं आपसे कभी मुलाकात आपकी जब होगी ना आगे क्लासेस में, तो वहां पे हम बी सी डी ई एच एल भर भर के यूज करेंगे, भर भर के यूज करेंगे। डब्ल्यू जेड बहुत कम यूज होने वाला है, बहुत कम, क्योंकि ये प्रोसेसर का है। याद बात है दोस्त, तो क्या इंपॉर्टेंस है डब्ल्यू जेड की, समझ आया? डब्ल्यू जेड की इंपॉर्टेंस, कॉल जब आपका इंस्ट्रक्शन आता है, बड़े बड़े आते हैं, जंप होता है, कॉल होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं आगे इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पहली बार ये देख रहे होंगे, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो हैरान और परेशान हो जाएं। कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, बस हो गया, इतना याद रखो, मोर देन इनफ है। तो चलिए भाई, डब्ल्यू जेड भी हो गया, बीसी भी हो गया, डीई हो गया, एचएल हो गया। अच्छा भाई, बीसी डी का काम क्या है? सब ये सब ही आपके डेटा को यहां पर लाके अपने पास स्टोर कर लेंगे, ए कॉमा बी, ए कॉमा 25, दिस दिस बोल के आप यहां पे लाएंगे ऐसे। तो यहां तक सब काम हो गया। अब आपका आता है लास्ट, क्या? स्टैक पॉइंटर, एसपी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसपी। ये भी आपका होता है 16 बिट का। क्या होता है दोस्त आपका? ये 16 बिट का होता है, ठीक है दोस्त? तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछने वाले हैं। क्या पूछने वाले दोस्त? कि भाई स्टैक पॉइंटर कितने बिट का होता है? तो 16 बिट का होता है। और स्टैक पॉइंटर काम क्या होता है, आइए समझते हैं इसको, और बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से और बहुत आराम से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं, और इसके लिए एक नया पेज लेते हैं, बहुत प्यारा सा, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। आइए यहाँ पे देखिए, होता क्या है कि आपकी मेमोरी है ऐसे, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस होंगे और जो भी आरआरबी जेई तैयारी करेंगे, तो आपके आरआरबी जेई में डेटा स्ट्रक्चर मेंशन है, जो लैंग्वेज वाला आपका सी प्रोग्रामिंग आपका है ना, प्रोग्रामिंग, उसके अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस दोनों दिया हुआ है। बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, डेटा को कैसे हम रखते हैं, मतलब समझिए ध्यान से। स्टैक एक वर्ड है, एक होता है स्टैक और एक होता है क्यू, क्यू यू ई। स्टैक और क्यू में जो क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इस क्यू जो होता है, क्यू मतलब क्या हुआ, क्यू मतलब क्या हुआ, सिंपली आपका पंक्ति लगाना, लाइन लगाना। जैसे आपका रेलवे में रिजर्वेशन हुआ आपका, ठीक है, वहां पे आप जाएंगे तो आप लाइन लगाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, पहले आओ पहले पाओ, सही होता है ना। यहां पे क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ। क्या वहां ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, ये कौन करता है, स्टैक, और ये करता है क्यू, कि लास्ट में जाओ और पहले पाओ, फिर तो वहां पे भाई बवाल हो जाएगा, फिर सब लास्ट में ही जाएंगे, फिर तो कोई पाएगा ही नहीं। तो कुछ जगह पे ये रूल है, ये नियम है कि जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, जो कि क्यू उसको सेटिस्फाई करता है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो क्यू आपका एक वर्ड है, यानी कि ये तरीका है, जब आप किसी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं ना, जो आपकी मूवीज हो गई या फोटोज हो गई या जो भी चीज हो गई आपकी, जब उसको आप स्टोर करते हैं, तो वो इन दो तरीकों से होता है, क्यू एंड स्टैक। और आप बात मानिए, स्टैक आपका 90% डेटा आपका स्टैक से ही स्टोर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, समझ रहे हैं आप? कैसे समझते हैं? आपके मोबाइल में जो मैसेज आता है, जो आपका मोबाइल है, आपका फोटो ले लो, फोटो बेस्ट एग्जाम्पल आपका है, आपने कैमरे से फोटो क्लिक की, आपके कैमरे में जब फोटो आपने क्लिक की, और जैसे ही आप फोटो क्लिक करते हैं, आपको पहली फोटो कौन सी दिखती है, 2 साल वाली, 2 साल पहले वाली, या जो अभी आपने जस्ट खींची है वो वाली, जो आपने जस्ट खींची है। मान लो गलती से आपने फोटो खींची और 2 साल पहले की फोटो आ रही है, आपके तोते क्या सब उड़ जाएंगे, मेरे खुद उड़ जाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपका मैसेज जो सबसे लास्ट मैसेज आता है, वही आपको सबसे पहले दिखता है। मान लो सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे, शाम को 8 बजे आपने देखा, तो जो 8 बजे मैसेज आया होगा, क्योंकि तो सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, जो 8 बजे लेट हो गया, लास्ट हो गया, लेकिन वो आपको पहले दिखता है। आपका जीमेल अकाउंट हो गया, अब कहीं भी देखो, हर जगह आपका स्टैक में डेटा स्टोर होता है, स्टैक फॉर्म में, ये होता है स्टैक। क्या बोलते हैं इसको, स्टैक बोल देते हैं, स्टैक मतलब आपका एक के ऊपर एक डेटा रखना। स्टैक पॉइंटर अलग है, स्टैक और स्टैक पॉइंटर में फर्क है। क्या ये बात क्लियर है?
अब दोनों में डिफरेंस है, ऐसा क्या हुआ कि आपने स्टैक को इतना वैल्यू दिया और आपने क्यू को वैल्यू खत्म कर दी? और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उससे आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आप समझ गए, बात समझ में आएगी नहीं दोस्त? अगर मैं आपसे बोलूं क्यू में, तो क्यू में अंदर दिक्कत क्या है? क्यू में दिक्कत तो पहले तो ये कि भाई आपका लास्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे इस काम कर रहा है। मैं इसको कंबाइन कर देता हूं ऐसे टेबल बना के ताकि आपको पता रहे कैसे ये हो रहा है। जस्ट वेट, एक साइड में मैं कर देता हूं आपका क्यू और साइड में आपका स्टैक। बहुत ये लिखना बस ऐसे नॉर्मल है, इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है स्टैक पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे आते हैं भर भर के। पहला क्वेश्चन मैंने बोला आपको क्या बोला, ये आपका है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और एक इसमें करता है लीफो पे, यही आपसे एग्जाम में भर भर के पूछा गया है। जो मैं बता रहा हूं विश्वास मानिए, बस उतना ही करिए, मोर देन इनफ है, आपको और जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये 16 बिट का होता है। स्टैक पॉइंटर, स्टैक नहीं, स्टैक पॉइंटर आपका क्या होता है? 16 बिट का होता है, याद रखिएगा, स्टैक पॉइंटर एसपी आपसे पूछा जाता है कितने बिट का होता है। कोई दिक्कत यहां तक बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या? तो क्या देखा आपने यहां पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। अच्छा, जब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करेगा, आपको सोचो कि मान लो ये ऐसे आपने मेमोरी में आपने इसको ऐसे स्टोर किया, तो यहां से आने पर और यहां से जाने का आपको दो एड्रेस यहां पे लगेंगे, टू एड्रेस रिक्वायर्ड, यहां पे दो एड्रेस आपको चाहिए। कितने चाहिए भाई आपको? दो एड्रेस चाहिए आपको, दो पते चाहिए आपको, दो पता आपको चाहिए। ये बड़ी दिक्कत है कि भाई आना कहां से है, जाना कहां से है, होता है ना, आना कहां से जाना कहां से है। लेकिन इसमें मैटर एकदम जबरदस्त है, यहां क्या होता है, यहां आपका होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि एक ही एड्रेस से आपका काम हो जाएगा, जो आएगा वही पहले निकलेगा, तो जहां से आया वहीं से जाएगा। तो दो काम इसने बड़े आसान कर दिए, पहले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि हमने फोटो खींची, हमको अभी की जो फोटो हमने लेटेस्ट खींची है वही मिलनी चाहिए, वही मिली हमको लास्ट इन फर्स्ट आउट से। दूसरा जो एड्रेस वाला मैटर था वो भी आपका मामला सेट हो गया। एड्रेस वाले में क्या हुआ, यहां पे दो एड्रेस चाहिए, यहां पे आपको एक ही एड्रेस चाहिए, ठीक है दोस्त। अब स्टैक पॉइंटर में आपका दो वर्ड आप सुनते हैं, पुश एंड पॉप, एक पुश होता है और एक पॉप होता है। आपसे पूछेंगे कि भैया पुश एंड पॉप ये कहां पे होता है? आपके स्टैक में, कहां पे होता है? आपके स्टैक में। सरो भाई जेई का जो होगा, नहीं मैंने क्या बोला आपको ना, मैंने इसलिए कहा था जेई का, जेई में चलेगा प्रॉपर, आप किसी भी, मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने तीनों बैच अलग किए हुए हैं, एएलपी का अलग, जेई का अलग और टेक्नीशियन ग्रेड वन का अलग, क्योंकि सभी बच्चों ने अपने हिसाब से बैच को ज्वाइन किया हुआ है। अगर गलती से मैंने किसी में बहुत डीप चला गया और वो एग्जाम में नहीं आने वाला है, कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं आपको जेई में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आपका दोबारा रिविजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि तीनों बैच अलग हैं, तो तीनों में कौन सा बैच बच्चा कौन सा देख रहा है, कौन सा नहीं देख रहा है। अगर आपने ये बैच देख लिया तो क्या करना, आप उस टाइम पे आप उसको पीडीएफ निकालना, जो आपने पढ़ रखा है उसको मत पढ़ना, फिर आगे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए वापस आते हैं यहां पर और बात करते हैं यहां पर, तो क्या देखा आपने कि भाई पुश एंड पॉप, तो पुश मतलब क्या होता है, पॉप मतलब क्या था समझते हैं। तो देखो स्टैक हमने क्यों यूज किया, डेटा को स्टोर करने के लिए, जो आपका डेटा है उसको उसके अंदर स्टोर करने के लिए, ठीक है, फोटो को अपने मोबाइल के अंदर स्टोर करने के लिए। तो जो पुश होता है वो क्या करता है, आपका पुश यानी कि डालता है डेटा अंदर, और पॉप मतलब निकालना, पुश मतलब डालना, पॉप मतलब निकालना, बात समझ आई नहीं आई। तो क्या होता है कि आपका मान लो एड्रेस दिया हुआ है, मान लो ये मान लो आपका हो गया, एग्जाम्पल तो दे रहा हूं मैं, ये 001 हो गया, ये 00 मान लो आपका 2 हो गया, ये मान लो 00 आपका 3 हो गया, फिर ये जाएगा आपका 004 हो जाएगा, आपका ये 000 क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। जब पुश करोगे जाहिर सी बात है कि 16 बिट का है, तो यहां पे क्या होगा, आपका डेटा एक यहां जाएगा और एक यहां जाएगा, तो पहले ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मान लो मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है 1648, मुझे ये डालना है इसके अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर,
ये जो 1648 है ये आपको कोई डेटा है वो डालना है। अरे सौरभ भाई ग्रेट, बहुत बढ़िया, तो बस ग्रेट है, आपको तो वहां मिलने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। तो फिर डाउट ही नहीं आपको यार, क्यों परेशान हो, आगे आओ, ठीक है, ये सब डाउट बाद में पूछ लिया करो यार, नहीं तो इससे पूरा माहौल ब्रेक होता है ना। चलिए आते, तो क्या देखा आपने कि यहाँ पे आपने जब पुश किया तो जाहिर सी बात है कि आपका 1648 है, तो पहले आपका 48 आएगा फिर आपका 16 आएगा, पहले आपका 48 आएगा फिर आपका 16 आएगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं, जब मैं पुश कर रहा हूं, जब मैं पुश कर रहा हूं तो क्या देखा आपने, आपका जो डेटा है वो ऐसे जा रहा है, और जब मैं पॉप करूंगा, जब मैं पॉप करूंगा तो क्या होता है, डेटा आपका निकलता है 1 by 1, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो क्या देखा आपने कि भाई पुश एंड पॉप, जैसे ही आपने पुश किया तो ये अंदर पॉप गया तो बाहर आपका, तो आपसे पूछा जाता है कि पुश पॉप करने पर कौन इंक्रीमेंट होगा कौन डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जो बात आती है, जो यहां पे लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये जो आपने देखा है डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट तो आपके प्रोग्राम काउंटर के लिए भी है, लेकिन जो डिक्रीमेंट है आपका वो स्टैक पॉइंटर यूज करता है अपने लिए, कौन करता है, स्टैक पॉइंटर अपने लिए यूज करता है, वहां इंक्रीमेंट भी होता है और डिक्रीमेंट भी होता है। और स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक पॉइंटर जो आपका स्टैक जो आपने बना रखा है अपने मेमोरी के अंदर, भाई व्हाट्सएप भी होगा आपका, कोई और भी होगा, आपने स्टैक भी ऐसे बना रखा होगा छोटा सा मेमोरी के अंदर, तो क्या करेगा वो उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा, स्टैक पॉइंटर एड्रेस को पॉइंट करता है, किसके, स्टैक के एड्रेस को। स्टैक समझ में आया क्या होता है, स्टैक मतलब कैसे आपने किसी डेटा को रखा हुआ है मेमोरी के अंदर, अगर आपने स्टैक में रखा है तो क्या फायदा होगा उससे, आपका जो लास्ट वाला है वो पहले आएगा, आपका जो फोटो स्टोर होता है वो स्टैक फॉर्म में होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आपका जो जीमेल है वो स्टैक में स्टोर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आता है वो पहला आपको दिखता है। क्लियर है मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत कोई समस्या, आगे बढ़े। तो आपका स्टैक वाला भी काम हो गया फिनिश। तो अब आती है बात, क्या दो बचे हैं, कौन से भाई, इंटरप्ट कंट्रोलर और सीरियल इनपुट आउटपुट, और ये सभी क्या हैं, ये सभी हम आगे आने वाली क्लासेस में, इन INTR क्या होता है, ट्रैप क्या होता है, RST क्या होता है, ये सब का मतलब क्या है, ये आप पढ़ते हैं पिन डायग्राम में, ये सब आएगा, डोंट वरी। लेकिन हमारा मेन काम क्या था, ये आर्किटेक्चर कैसे काम करता है ये हमको समझना है, कौन बाई है कौन यूनी है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहां तक अभी तक कोई दिक्कत कोई समस्या कोई तकलीफ है तो बताओ भाई। तो हमने जो प्लान किया था 1 घंटे का, हमारा पूरा 1 घंटे में अच्छे से कवर अप हो चुका है, बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत हो किसी भी पॉइंट में। ये दोनों छोड़ दो आप, इंटरप्ट कंट्रोल सीरियल कंट्रोल और जो ये छोटे छोटे लिखे हुए ना इनको छोड़कर, कि ALE क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब हम आगे बात करेंगे, इन सब को छोड़ के ये जो पार्ट आपका दिया हुआ है इसके अंदर कोई दिक्कत हो बताओ। देवी प्रसाद जी, अच्छा ओके, JEE और टेक्निकल ग्रेड 1 की क्वालिफिकेशन सेम है, हाँ सेम है, दोनों सेम है, JEE में आपका डिप्लोमा बीटेक है, यहाँ पे डिप्लोमा बीटेक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गई ना कि यहाँ पे आपका BSc भी है और उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो इसमें आपका क्या है, फिजिक्स भी आएगा, आपका कंप्यूटर भी आ रहा है और आपका टेक्निकल भी आएगा, तीनों मिक्स हैं, तो इसलिए जो पेपर का पैटर्न होगा उसके हिसाब से हमको प्लान करना होगा, उसके हिसाब से हमको प्लान करना होगा ताकि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े, ऐसा ना हो कि हम कुछ भी पढ़ लें या बहुत ठीक चले जाए। सबका मतलब पता है ना, चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। PC 16 बिट का, स्टैक पॉइंटर 16 बिट का, एड्रेस आपका 8 बिट का प्योर है, और ये क्या है, मल्टीप्लेक्स है, ये सभी क्या है, 8 बिट के हैं। WZ क्या होता है, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अपने लिए रखता है, ये सभी 8 बिट के हैं। BCDEHL 6 जो होते हैं क्या होते हैं, ये GPR होते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन आएगा वो यहां जाएगा, 8 बिट का ये भी होता है, ये डिकोडर है, डिकोड करेगा 8 बिट का, फिर ये जाएगा टाइमिंग कंट्रोल में और फिर ये काम कराएगा सबसे। एक्यूमुलेटर आपका स्पेशल पर्पज, जो क्या करता है, आपके दूसरे बिट को स्टोर करता है अपने पास। टेम्परेरी क्या करता है, जो भी बिट आपकी एड होने वाली है यहां पे लाएगा, फिर ये जाएगा ALU में। ALU क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और यहां से आपका एड्रेस जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होगा वापस आपके एक्यूमुलेटर में आएगा। फ्लैग उसका बताएगा स्टेटस, कि छोटा है कि बड़ा है कि माइनस है कि प्लस है, जो भी है आपका वो बताने वाला है ये। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, आपका स्टैक में हम क्या करते हैं, मेमोरी में चीजों को स्टोर करते हैं, जो कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, आपकी फोटोज हो गई, जीमेल हो गया, व्हाटएवर जो भी चीजें आपकी हैं सभी स्टैक फॉर्म में होती हैं, और उस स्टैक के एड्रेस को ये पॉइंट करता है, इसको बोल देते हैं स्टैक पॉइंटर।
यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? बोलो यार। अब आती है दो की बात, इंटरप्ट कंट्रोल क्या होता है और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, इंटरप्ट मतलब जैसे कि आप देखते हैं ना कि आपका अभी आप जैसे गेम खेलते रहते हैं, जहां से पापा फोन आ गया या मम्मी का फोन आ गया या किसी स्पेशल वन का फोन आ गया, अगर पापा मम्मी का फोन आ गया तो एक बार आप उसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन किसी स्पेशल वन का फोन आ गया तो क्या होता है आपका? राहुल सैनी साहब बताएंगे नौकरी, ठीक है, वो आपका आएगा जनाब। ठीक है, पुश और पॉप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है मैं उसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से, नोट करिए। ठीक है, आप निश्चिंत रहो उसके लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब पकड़ चलेंगे। अभी बस मैंने आपको बताया कि ये पुश पॉप में आपका यूज होने वाला है स्टैक में, वो आपका है। ठीक है, आइए वापस आते हैं। क्या देखा आपने कि भैया जो इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट मतलब किसी को परेशान करना, कहते हैं बीच में इंटरप्ट आ गया। इंटरप्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसको आप करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप गेम खेल रहे हैं, कॉल आया, अगर कॉल पापा मम्मी का है तो आप उसको अवॉइड कर देते हैं, तो वो इंटरप्ट कैसा है? अवॉइडेबल है कि हाँ भैया कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन किसी स्पेशल का फोन आया तो क्या हुआ, आपने उनको अवॉइड नहीं करना है, आपको पहले जाके उस काम को कंप्लीट करना है, देन वापस आना है। तो ये होता है आपका, तो इंटरप्ट का पूरा एक अलग से ही क्लास चलती है। आप क्लास क्या, वो अलग से ही टॉपिक आता है, वहां आपको बताया जाता है। तो वहां पे ये INTR, TRAP, RST, RST 6.5, 7.5, INTA होता है आपका, ये सभी हम बात करते हैं वहां पर। ठीक है, और यहाँ पे ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल आपका जो आपने देखा था, यहाँ पे जो था इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका ये रहा, ये जो आपका है दोस्त, ये वही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका इसका यूज है, SID, SOD बोलते हैं इसको आप। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है जो आपने देखी। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा उसको देख लेते हैं। क्या आप रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? बाकी जो बहुत रह गया है, आप परेशान ना हो, हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, ये गारंटी मेरी है। और जो 16 बिट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताऊंगा मैं, गारंटी मेरी है। लेकिन अभी मैं ये नहीं चाहता कि आपका जो माहौल बना हुआ है वो गड़बड़ा जाए, इसलिए अभी हम पहले कुछ करते हैं क्वेश्चंस धमाकेदार, उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में और सब चीजों की। चलिए भाई शुरू करें क्वेश्चंस। चलिए भाई, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएं भाई क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका ALU बता दीजिए। ओके रजनी जी, ALU क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी जो आपका ALU होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो भी आपका एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, जो भी आप घटाएंगे, जोड़ेंगे, जो भी करेंगे आप, वो ALU ही करेगा। अगर ALU नहीं होगा तो आप जोड़ नहीं पाएंगे, आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, आप ये काम नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आप कमेंट में आंसर कीजिएगा जल्दी से, ताकि मैं फिर फटाफट आपको और भी जो बातें हैं थोड़ी बहुत उसको बताऊं मैं, और फिर वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को। चलिए बिल्कुल सही बोला आपने, कंपाइलर, एकदम सही बात। क्या बोला आपने? कंपाइलर। क्या बोल रहे हैं आपसे ये? वर्क्स ऑन अ ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज, ये आपका आया हुआ है UPMRC, आपकी वैकेंसी भी अनाउंस हो गई है UPMRC की, SCTO की, वही का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्या बोलेंगे आप? कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर आपका असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, आपका ट्रांसलेटर ऐसा कुछ होता नहीं है, कम्युनिकेटर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया? सी आ गया। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, बहुत ही प्यारा है, इसको अभी हम बाद में करेंगे, डोंट वरी। आ जाओ भाई, वन हो गया, टू पे आ जाओ, सब करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन सब करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, हम सब की बात करेंगे दोस्त। क्या बोला उन्होंने भाई? द डेटा बस विथ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, आपका जो डेटा बस होता है माइक्रो प्रोसेसर का, वो कितना होता है? आपका होता है 8 बिट का। कितना होता है दोस्त आपका? 8 बिट का होता है। क्या ये बात क्लियर दोस्तों भाई? कितना होता है भाई? 8 बिट का। आपका जो एड्रेस बस होता है वो कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। कितने का होता है? 16 बिट का होता है। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? बोलो यार। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई थ्री पे आ जाओ। ये भी नहीं करना अभी आपको, PSW होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है आपको आगे बताया जाएगा, रो भाई। ठीक है, आ जाओ भाई, टू हो गया, जस्ट थ्री पे आ जाओ, सब कराएंगे। क्या बोला मैंने? सब कराऊंगा मैं आपको अपने हिसाब से, डोंट वरी।
वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ डेटा बस, साथ में आप देखते रहिए, एनएफएल आपका जो है उसमें आया हुआ है, एलएमआरसी में आया हुआ है, अभी हाल ही में जो वैकेंसी आपकी आई है उसमें भी आया हुआ है ये, तो मजेदार है ना। जो आपका डेटा बस होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। आपका एड्रेस बस कैसा होता है, यूनी होता है। आपका कंट्रोल बस कैसा होता है, वो मिक्स होता है, वो मिक्स होता है, यानी कि जाता भी है आता भी है और एट ए टाइम आपका ऐसे होता है, एक बार में या तो जाएगा या तो आएगा, लेकिन आने जाने काम होता रहेगा। नहीं समझ में आया, देखो समझो, एड्रेस जो होता है वो ऐसा होता है, डेटा जो होता है वो ऐसा होता है, लेकिन जो कंट्रोल होता है वो ऐसे या ऐसे, ऐसे आपका रहेगा, या तो जाएगा या तो आएगा, दोनों तो पॉसिबिलिटी है, मिक्स्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। आगे क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ नंबर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लो आप कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पे अगर माइक्रो प्रोसेसर आया तो ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे, भर भर के पूछा जाता है। क्या बोला आपने, स्टैक एग्जिबिट, एक स्टैक क्या दिखाता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो क्या होता है आपका, आपका क्यू होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपका एफसी एफएस लिखा हुआ है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये आप पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वहां पे अपने को नहीं आना है, अपने को ये समझना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आ जाओ भाई फिफ्थ पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे फिफ्थ में, आप प्रोग्राम काउंटर, पीसी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, पीसी दिख जाए, प्रोग्राम काउंटर दिख जाए, बात एक ही है। अब प्रोग्राम काउंटर इज अ स्टोरेज रजिस्टर फॉर लोकेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, बिल्कुल नहीं। बाइनरी कोड, बिल्कुल नहीं। लास्ट क्या उन्होंने बोला, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो भी आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका ये एड्रेस होल्ड करता है। यहां पे जो लोकेशन बोला गया है, आप खुद सोचो, कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई आपका डेटा जो होता है वो 8 बिट का होता है, तो क्यों ऐसा हो, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ, ये तीन लिखा हुआ बस नाम का लिखा हुआ है, ये तो भर भर के आया है, स्टैक हो गया, ये हो गया, भर भर के आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, हाउ मेनी जनरल पर्पज रजिस्टर आर देयर इन माइक्रो प्रोसेसर, कितने होते भैया, 6 होते हैं ना, कौन से, बी सी डी ई एच एल, आपका 6 आ गया, देखे दोस्त कि नहीं। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई ये 7, अभी रहने दो आप 7 पे, बता दूं मैं आपको, सब बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। जीपीआर हो गया ना ये, अच्छा 2 बार आएगा ये एग्जाम में, एनएफएल झारखंड, अरे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, डोंट वरी। आ जाओ भाई ये देखो आपका ये क्वेश्चन कितनी बार आया, 6 हो गया आपका, ये 7 हो गया। जो क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, घुमा के पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द रजिस्टर यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, निष्पादित किए गए अगले अनुदेश के मेमोरी एड्रेस लोकेशन को संग्रहित करने वाले प्रयुक्त रजिस्टर को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते भैया, प्रोग्राम काउंटर। फ्लैग क्या करता है आपका, बताता है कि उसका स्टेटस क्या है, आपका एक्यूमुलेटर क्या करता है, आपके डेटा को स्टोर करता है, क्या ये बात क्लियर, तो बताओ भाई, बोलो यार हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं 8 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे, ये ALU कंट्रोल यूनिट एंड आर 3 मेन यूनिट ऑफ 8085, यानी ALU नियंत्रण इकाई और आपका मेन काम क्या होता है, तो अभी आपने देखा ALU कंट्रोल और आपका रजिस्टर, आपने देखा ना रजिस्टर भरे पड़े थे, ये तो कम थे, अभी आगे 86 में और उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो कितने होंगे भैया आपके, रजिस्टर आपका एलईडी होता है क्या, उसमें रैम रोम होता है क्या, नहीं भैया रैम रोम बाहर लगा होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर थोड़ी है कि उसके अंदर लगा होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर है उसके बाहर लगा होता है। यहां पे आपका ए बी ई बी सी डी ई एच एल, आपका टेम्परेरी, आपका एक्यूमुलेटर, ये सभी क्या है, ये सभी आपके रजिस्टर ही तो है दोस्त, बोलो भाई हाँ है ना। आ जाओ भाई 9 पे आ जाओ, ये तो आप लॉजिकली कर सकते हैं लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं कराऊंगा आपको। 8 और 9 पे आ जाओ भाई, क्या बोल रहे हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आफ्टर डिकोडिंग, यानी कि जब मैं इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता हूं आफ्टर डिकोडिंग, तो कौन होगा भाई आपका, IR होगा। यहां पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो मिलेगा, IR जो होता है पहले आपका IR आता फिर डिकोड होता है ना, आपने देखा था, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसे मिल जाते हैं तो आपको वहां पे
घबराने का नहीं, या तो वो क्वेश्चन हटा देंगे या तो फिर आप करके आओगे तो ये सही करके आओगे ना। आप खुद सोचो, क्या पीसी में होगा? नहीं। क्या रजिस्टर में होगा? नहीं। क्या एमडीआर में होगा? नहीं। बचा क्या? आईआर आपका। क्योंकि तो क्या बोला उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आफ्टर डिकोडिंग। स्टोर करना है आपको, और स्टोर करने के लिए आप खुद सोचो, यहां पर जब दिया हुआ था ये, जस्ट वेट, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये रहा आपका आईआर, फिर ये रहा, इसके बाद तो सीधे कंट्रोल आ गया ना, तो ये ऊपर हो गया या नीचे हो गया, आप ऐसे ही बोल सकते हो। लेकिन ऐसे बोलना गलत है एक्चुअली, लेकिन क्वेश्चन आया है तो उसको आप छोड़ेंगे थोड़ी दोस्त, छोड़ देंगे आप पीसी में गलती से भी नहीं। पीसी जो होता है उसका काम बस एड्रेस को दर्शाना है, आप डेटा स्टोर कर रहे हो और पीसी आपका 16 बिट है, डेटा आपका 8 बिट का होता है, तो गलती से भी गलती नहीं करनी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी है। बात समझ में आई नहीं है दोस्त, बताओ। चलो भाई, नेक्स्ट आपका आता है 10, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ वर्क डन बाई पॉप ऑपरेशन, जो पॉप ऑपरेशन होता है वो कौन सा कार्य करता है? जो अभी मैंने आपसे बताया ना स्टैक, तो अब यहीं पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पुश एंड पॉप, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होता है। तो यहां पे जो पॉप बोलता है, क्या बोलते हैं भाई, डिक्रीमेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। देखो स्टैक सिस्टम पहले ही गया, स्टैक सिस्टम पहले ही गया, स्टैक पॉइंटर होता है, तो दो दो आपने पहले ही निकाल दिए, बचा क्या, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। अब समझते हैं इसको। देखो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे, मैं इसको चलो एक पेज में ले लेता हूं बढ़िया सा, या यहीं पे देता हूं, आपको दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मान लो 1024 को स्टोर करना है, मान लो ये आपका 10424 डेटा आपका है और आपकी ये मेमोरी है, मेमोरी में कैसे आपका सीन है, ये मान लो ये 00 है, ये 01 है, ये 10 है, ये 11, मान लो ऐसे दिया हुआ है आपको, ठीक है, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, मतलब सॉरी ये आपका 0, बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है, 0 1 2 3, ये कुछ ऐसा सहा नहीं है, ठीक है, ऊपर से नीचे आपका बढ़ते हुए क्रम में। अब जाहिर सी बात है कि अगर मुझे 1024, अजय भाई बिल्कुल काउंट की जाएगी, अटेंडेंस आपकी टेंशन रही है उसके लिए, ठीक है, 1024 मुझे इसमें डालना है, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं निकालूं तो मुझे 1024 ही मिले। बहुत ध्यान समझिएगा, आप खुद सोचो कि जो मैंने चीज डाली है, मैंने फोटो क्लिक की, मैंने अपनी फोटो क्लिक की, और जब मैं उसको देखूंगा तो मेरी ही फोटो आनी चाहिए ना, कि किसी और की आ जाए, फिर तो मजा ही आ जाएगी। हाँ ऐसा है क्या? नहीं, आप चाहते हो कि मेरी फोटो आए, किसी और की नहीं, तो जाहिर सी बात है जब इसको आप डालेंगे तो क्या बोलेंगे, पुश एंड पॉप। जब पुश करेंगे आप तो आपका पहले आएगा 10, फिर आपका आएगा 24। बहुत ध्यान सोचो, बहुत ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये डेटा मुझे स्टोर करना है स्टैक के अंदर, जब मैं इसको डालूं और जब मैं इसको निकालूं तो मुझे यही मिलना चाहिए कि कुछ और मिलना चाहिए? यही मिलना चाहिए। तो जब आप पुश करते हैं तो पहले आपका 10 आएगा, फिर आपका 24 आएगा, यानी डेटा कैसे जाएगा आपका, ऊपर की ओर जाता है, कैसे, ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर। क्यों जा रहा है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, आपको डाउट रहेगा आप पूछ लेना। क्या बोला मैंने, 1024 मुझे स्टोर करना है, तो पहले 10 डालूंगा, फिर मैं इसके ऊपर जाऊंगा और 24 डालूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो पहले 24 आएगा, पहले क्या आएगा दोस्त आपका, पहले आपका 24 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, तो आपको सेम डेटा मिल जाएगा। देखो ध्यान से, पहले जब पुश करूंगा तो 10 पहले, फिर 24, फिर जब मैं पॉप करूंगा निकालूंगा, ये होता है पुश और ये होता है पॉप, जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, पहले 24 निकलेगा फिर 10 निकलेगा, यानी पॉप वाले केस में क्या होगा, वो ऐसा होगा, ये पॉप है और ये जो आपका है ये पुश है। क्या ये बात क्लियर दोस्त? क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या बताओ भाई, हाँ या ना बोल दो, फिर आगे बढ़ू मैं। यहां तक बात क्लियर है, पुश और पॉप कैसे हो रहा है? थम्स अप कर दो फटाफट, मैं आगे बढ़ू, जल्दी से कर दो फटाक से, एकदम फटाफट। पुश में क्या हुआ, पहले 10 फिर 24, तो ये पुश है आपका, ऐसे जाएगा डेटा आपका नीचे फिर ऊपर,
तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो ऊपर जा रहा है, और आप देख रहे हैं एड्रेस यहां पे क्या हो रहा है, देखो 0001 1011। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो डिक्रीमेंट हो रहा है, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है 3 2 1। जब पुश कर रहे हैं आप, 10 पहले आया फिर 24 उसके ऊपर आएगा, मजबूरी है क्योंकि जब मैं इसको निकालूं तो पहले 24 निकले फिर 10 निकले और डेटा आपका सेम रहे, तो ये मजबूरी है। तो हमको क्या लगता है कि मैं पुश कर रहा हूं तो मेरा नीचे जाना चाहिए, और जब मैं नीचे जाऊंगा तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि पुश मतलब डिक्रीमेंट, यानी कि ये ऊपर आएगा, मैं दबा रहा हूं लेकिन ये ऊपर आ रहा है। क्यों आ रहा है मैंने आपको बता दिया, एक आप याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। कंफ्यूजन इसीलिए होती है, कई लोग भूल जाते हैं इसको कि पुश मतलब दबाना तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ता नहीं है, ये घटता है, डिक्रीज होता है। और पॉप देखो, पॉप में पॉप देखो, पहले 24 निकलेगा फिर 10 आएगा, तो वो नीचे आ रहा है। जब वो नीचे आ रहा है तो नीचे क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, आपका जो एड्रेस है वो बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं पॉप, पुश एंड पॉप। तो यही आपका है, तो क्या होगा आंसर आपका यहां पर, आपका इंक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर, यानी कि जो पॉप करेगा वो इंक्रीमेंट करेगा। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट एग्जाम वाले क्वेश्चन आपके आ गया, मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर से दो ही क्वेश्चन आए और दो में से एक क्वेश्चन ये आ गया, आप कहेंगे सर फिर इसके लिए कौन इतना पढ़ेगा। मेरे दोस्त सबसे ऐसे ही आने वाला है, ये कॉम्पिटिशन है, यहां पढ़ते इतना है, आता इतना है, आप खुद देखिए, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, आप जीके जीएस कितना पढ़ते हैं, आता कितना है, इसलिए कंपटीशन टफ है। इसलिए आपको मैं हर एक चीज को बहुत बारीकी से बता रहा हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना है, खासकर जो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है हिसाब से, तो आपका जो रहेगा इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। समझ में आया तो नहीं आया, अगर अभी भी नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से दोबारा नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? चलो फटाफट कुछ क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, गृह कार्य ले लो आप फटाफट, ये आपका 11 नंबर गृह कार्य है, इसका चाहिए मुझे आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 12 पे आ जाओ दोस्त, नहीं नहीं 12 पे नहीं, ये आपका एड्रेस कैसे करते हैं ये आपको कल क्लास बताऊंगा, ये कैसे आप इसको निकालते हैं, ये बड़ा ही काम का चीज है, ये कंप्यूटर में भी आएगा, यहां भी आएगा आपका, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी कोर्स आपको ज्वाइन करना है क्योंकि क्लास यूट्यूब वाली फैमिली वाली देख रही होगी, कोर्स ज्वाइन करने के लिए ओरिएंटेशन क्लास मैंने ले रखी है, आप उसको देखिए, मैंने वहां सब कुछ बता रखा है हर एक तरीके से, बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना है, एक ही स्टेज है फिर सीधे सिलेक्शन है, तो जी जान लगा देंगे, टेंशन मत लो उसके लिए आप। बाकी आज थर्सडे है ना, कल फ्राइडे क्लास होगी ये, फिर सैटरडे संडे आपका, मैंने कहा था ना कि हम कुछ और भी अपना जो टेस्ट है वो चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, मैथ करेंगे, ठीक है। तो सैटरडे संडे हम लोग मैथ करेंगे धुआंधार, उसका टाइमिंग आपको पहले से बता दिया जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत होना, आपको टाइम टेबल में दिख जाएगा। बाकी मंडे टू फ्राइडे आपका चलेगा टेक्निकल धुआंधार से, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार इतना आप जो ने दिया है, तो ऐसे ही मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे क्लास होंगी, यूट्यूब पे भी आपके क्लासेस चलेंगी, आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत डिमांड आ रही है यूट्यूब पे कि सर प्रैक्टिस चाहिए हमको, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिलता है। स्टार्टिंग तो जोश में बोलते हैं कि सर कराइए हम हैं आपके साथ, लेकिन जैसे जैसे हम कराते हैं वैसे वैसे ये बदल जाती है, तो फिर वो आज का नहीं, वो 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, आप कितना भी बोलते हैं लेकिन वो लास्ट में आगे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, मैंने आपसे कहा है ना मैं सबके लिए सब ध्यान रखता हूँ, ठीक है। ओके तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो कहीं कोई समस्या हो फिल फिट वास, ठीक है। जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।